कैसे हो भाई? लोग भाई, आज हम यहाँ घूमने आए थे दूसरे आइलैंड पे, तो सोचा कि चलो वीडियो बना लेते हैं और आप सभी को दिखा देते हैं कि दूसरे आइलैंड का नज़ारा क्या है। आइलैंड में तो नहीं जा सकते मंदिर, बाकी यह है कि इधर जो इसके पहाड़ वगैरह हैं उन पे वहाँ जा सकते हैं, तो उस पे कोई रोक टोक नहीं है भाई। दूसरे एरिया में हम जा नहीं सकते ऐसे ऐसे, वो किसी की शिप वगैरह यहाँ पे खड़ी भी नहीं होने देते, तो खाली हम घूमने आ सकते हैं वो भी पहाड़ों पे। तो भैया आपको नज़ारा दिखाएंगे इधर का, ये है भाई। जट भाई वह चल भाइयों को सारे भाइयों और मेरे भाइयों, कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ भाई आप सब लोग बढ़िया होंगे। हाँ जी भाइयों, आज एक नए से आइलैंड पे आए जी घूमने। तो थोड़ा सा ना आज तो कस्टमर नहीं थे, तो परमिशन लेके भाई अपने जो बॉस है हमारा उसको बोल के आए हैं कि एक दो घंटे के लिए, अगर कस्टमर तो है नहीं चल हम इधर आइलैंड पे घूम आते हैं। तो बोला भाई साहब चाहे वो कोई दिक्कत नहीं है, ठंडा मौसम हो रहा है भाई, ठंड हो रही बैक साइड में आए थे अपने आइलैंड की दूसरे वाली। तो आइए आपको दिखाते हैं भाई ये नज़ारा, आ जाओ समुद्र का भी, बने रहिए वीडियो में। तो भाई बहुत अच्छा नज़ारा है यहाँ पे देखने के लिए सच में यार। व्यू है भाई बहुत जबरदस्त है। क्या मिल गया भाई जट भाई? जी। क्या मिल गया? ये पता नहीं कुमार श्री होते अपने वाला। अच्छा कुत्ते का था, ये ब्लैक कलर का था भाई। अच्छा अच्छा नए जीव मिल रहे भाई हो यहाँ। और भाई पत्थर ही पत्थर है, मिट्टी बिल्कुल भी नहीं है। बाकी भाई ठंड बहुत है, निकाले आ रहे हैं इधर भाई। ये स्विमिंग का एरिया है भाई, जहाँ से लोग स्विमिंग करते हैं, यहाँ पे जल स्नान यहीं पे करते हैं यहाँ के लोग भाई। ये छाले होते हैं भाई पानी की, बहुत जबरदस्त। क्या ही बोले भाई, कुदरत का नजारा है ना, नेचर ही नेचुरल है भाई। अभी चला दो दिखाते हैं आपको थोड़ा आगे भी, बाकी मस्त है भाई, एंजॉय करने लायक प्लेस है। एक अपना मेरे भाई एक दो बंदे का कमेंट आ रहे थे कि फ्रेशर वास्ता क्या सिस्टम है, जो वगैरह है, या आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। सम्मी भाई आओ बताओ भाई, क्या है फ्रेशर के लिए हिसाब किताब यहाँ पे? भाई फ्रेशर बंदे का तो ये है भाई, फ्रेशर आ तो सकते हैं भाई, पर भाई स्किल्ड होने चाहिए। तो स्किल्ड है ना तो फ्रेशर का तो कोई बात नहीं है, फ्रेशर आ रहे हैं अभी बहुत आ रहे हैं। बाकी ये है थोड़ा बहुत लैंग्वेज का प्रॉब्लम होता है, तो लैंग्वेज तो चलो मैनेज हो ही जाती है। इस बंदे को काम आता है तो काम, यहाँ के बंदों को तो काम ही चाहिए भाई, जो भी एम्प्लॉयर है यहाँ के तो उनको काम ही चाहिए। तो बाकी कोई दिक्कत नहीं है भाई, थोड़ा बहुत एक दो दिन परेशानी होगी लैंग्वेज की भी, तो काम आता है तो फिर काम करके तो दे ही देगा बंदा। तो स्किल्ड वाला ही हो तो बेस्ट है भाई, तो उसके अलावा तो भाई जो जिसके पास कोई काम नहीं आता है तो उसकी तो सैलरी भी बहुत कम लगती है। स्किल्ड वाले बंदे की सैलरी बहुत बढ़िया लग जाती है। क्यों? स्किल्ड वाला बंदा भाई इंग्लिश वगैरह में मैनेज कर लेता है फिर भी कुछ हद तक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो यहाँ की लैंग्वेज ना आए तो कोई दिक्कत नहीं है, बट इंग्लिश तो आनी चाहिए मेरे भाइयों।
जो भी कोई फ्रेशर भाई आता है यहाँ पे तो इंग्लिश तो आनी ही चाहिए। तो कोशिश करो भाई अपना इंग्लिश वगैरह अच्छे से, नहीं भी ज़्यादा हो तो बेसिक तो आनी चाहिए, भी ना भी ज़्यादा हो तो बेसिक तो आनी ही चाहिए ताकि यहाँ आके भी दिक्कत ना आए भाई को। बाकी भाई आज फ्रेशर भी कोई दिक्कत नहीं है, जॉब वगैरह अपना मिल जाती है, कोई दिक्कत नहीं है, बस करना थोड़ी बहुत दिक्कत आती है। बाकी फिलहाल तो थोड़ा काम लेट ही हो रहा है यहाँ पे। हाँ जी समझी जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ, फ्रेशर बंदे भाई फूड डिलीवरी में ज़्यादा आ रहे हैं भाई, तो मेरी बात हुई थी कल मेरे फ्रेंड से, वो जागरूक में काम करता है, तो वो बोल रहा था कि यार फ्रेश बंदे बहुत आ रहे हैं यहाँ पे उसमें फूड डिलीवरी में, तो भाई फ्रेश फूड डिलीवरी में बहुत आ रहे हैं भाई उधर पर, फ्रेश तो आ रहे हैं तो काम भी भाई वैसे ही है। तो स्टार्टिंग में तो वो लोग साइकिलें वगैरह ही देते हैं भाई, साइकिलें ही चलानी पड़ती हैं फूड डिलीवरी में, बाकी दिक्कत तो आती है भाई। 60,000 रुपये देंगे तो फिर साइकिल ही देते हैं, अभी लाइसेंस वगैरह तो होता नहीं है जो आपको बाइक वगैरह दे दें, बैटरी वाली साइकिलें होती हैं उनके, वो भी शायद ना ही दें, स्टार्टिंग में तो देते नहीं भाई नए बंदे को, जब तक यानी कि थोड़ा सा पुराना होता चला जाता है तो सैलरी भी वैसे ही इंक्रीज होती चली जाती है। तो वैसे ही यहाँ पर बहुत काम मिलता चला जाता है, बहुत से बंदे चेंज भी करते हैं जॉब वगैरह, जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है तो चेंज कर लेते हैं। मारो भाई हमारे जैसे यहाँ बिल्कुल भाई, तो यहाँ तो भाई बहुत बढ़िया नज़ारा है, तो खा रहा भी घुमा के दिखा भाई। ये अभी अपना दूसरा आइलैंड का व्यू, दूर तक पानी पानी लगा जा रहा है भाई। वो देखिए तो भाई फोटो खींचना भाई, बहुत बढ़िया यार।